सोमाजति जी, श्री MS बिट्टा जी, जिन्होंने कि देश के साथ अपना ऐसा योग किया कि उसके लिए चाहे कोई भी मूल्य चुकाना पड़ा, परंतु वो पीछे नहीं हटे। और आगे उन्होंने कहा था, उसी संस्कृति के लिए जहां से निकला, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो आपने देखा कि संपूर्ण जगत को सौरभमय करना, आपके अंतर के व्यक्तित्व से लेकर संपूर्ण जगत तक यह करने का जो एक क्षमता है, उसे हम स्वीकार करके अंगीकार करें तो व्यक्ति से लेकर राष्ट्र और समाज तक का कल्याण होगा। धन्यवाद। हम सब वो घटना को याद करते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में एक भयानक बम विस्फोट हुआ और क्या कुछ उस व्यक्ति ने झेला, और आज भी वो भारत को एक करने के लिए सशक्त रूप में यहां उपस्थित है। मैं स्वागत करूंगा, धन्यवाद दूंगा हमारे MS बिट्टा जी का हमारे बीच में। इनको भी मैंने कल फोन किया और एक फोन पर बोले आ रहा हूं। तो मैं कर्तव्य ध्वनि से चाहूंगा कि आप सब लोग उनका उत्साहवर्धन करें हमारे संस्थान की तरफ से। आदरणीय आचार्य जी और हिंदुस्तान की प्रथम राष्ट्र के लिए एक वो बुलंद आवाज, मेरे भाई बड़े भाई सुधांशु त्रिवेदी जी, DCP साहब, मेरे भाइयों बहनों, मेरी माताओं और मेरे दोस्तों, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है। अगर हिंदुस्तान में दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर ये योग की क्रांति, ये योग का अनुभव आ जाए तो वो राष्ट्र, वो कौम कभी कमजोर नहीं हो सकती। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं आपके सामने आज खड़ा हूं। मेरा शरीर आतंकवादियों ने बार बार बम्बों गोलियों से छाननी कर दिया, मैं चल नहीं सकता था, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूं, पर आज आपके सामने खड़ा हूं। ये सिर्फ एक योग है, ये हमारे राष्ट्र की संस्कृति है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, और हमारा राष्ट्र कभी कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। वंदे मातरम। जय हिंद। दुख भाग भवे ओ बैठे हैं हमारे बिट्टा साहब, इस देश के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने शीश तक जो करा के आगे चलते हैं। साथ आई हार्ट डिजीज के साथ आई हार्ट डिजीज के पेशेंट नहीं बनते हैं, और एक बार जोर से खिल खिला के हंस के Thank you.
जय।